so ladies and gentlemen, very warm welcome to module 157. inhale the beauty in, exhale the ugly out. inhale the beauty in, exhale the ugly out. or ugly jab me kare. to ajharama, topic b, entrepreneur risk and ego है. now, there is a difference between risk and ego. टू पुश एन आइडिया आइडिया को आपने पुश कर दिया इट मस्ट बी कन्वर्ट इन टू रियालिटी क्या आप अपना आइडिया बेच देना चाहते हैं साहब थे पाकिस्तानी थे उन्होंने और बल्कि मैं एग्जाम्पल देना चाहूं तो बहुत सारे लोगों की दे सकता हूं नाम नहीं लेता लेकिन कुछ ऐसे किताबों के नाम ले लेता हूं अनलिमिटेड पावर की तरह इस तरह के सेल्फ हेल्प पे बहुत सारी किताबों के नाम ही ले, ले लेते हैं टोनी रॉबिन्स वगैरह के कि आपको एक अजीब खला में लेके गए एक आपको ऐसी फैंटेसी में लेकर गए कि दुनिया जो है वो सड़कों के ऊपर आ चुकी है और वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और वो एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं और हॉल फुल पैक हो गए बल्कि फुटबॉल स्टेडियम में जाना पड़ गया और उन्होंने जो कुछ बोलना है और उसके बाद से दुनिया ने उनकी बात सुनकर खरपतियों करने कर निकलना सिर्फ बात सुनकर सो so ये वो एक आइडिया है जो जो आपको दिया जाने लगा और ये ये जो इस टाइम पर जो आपका एरिया है यानी दिनों में अमीर हो जाना आ, अमीर होने के सौ तरीके होना और अब आपके पास पाकिस्तान में भी मोटिवेशन स्पीकर्स की एक बहुत लंबी लाइन है और आप लोगों को जो है वो जज्बाती तकरीरें जज्बाती बातें और जज्बाती मूवीज uh, के एग्जाम्पल्स दे के आपको बताना कि आप लोगों ने वो काम कर जाना है और भाई ये सब का सब ब्लफ है प्लीज बिलीव इन मी दिस इज ब्लफ ना अब आप जेन्युइन बिजनेस की तरफ आइए उसके अंदर जब आप रिस्क लेते हैं और ईगो में क्या फर्क होता है पाकिस्तान में गैर नाम लेने की कोशिश नहीं करूँगा एक फर्म्स थी फिर इंडस्ट्री बन गई इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई फिर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई वो यूनिवर्सिटी विद पर्पस बनाई गई और दो लोग थे दोनों ब्रिलियंट लोग थे आ, अभी भी वो हयात हैं और आप ये देखें फिर उस यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया कि कैपेसिटी चाहिए यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी कैसे होगी कि उनको अकाउंटेंट्स भी चाहिए थे उनको सप्लाई चेन भी चाहिए था सप्लाई चेन मैनेजर्स भी चाहिए थे इंजीनियर्स भी चाहिए थे फिर की अकाउंट मैनेजर कैसे आएंगे स्टाफ की हायरिंग थे क्या जी, सारे लोग बाहर से आएंगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के तौर पे हम काम करने वाले हैं तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग या ह्यूमन रिसोर्स हमारा कहाँ से होगा दस से बीस हज़ार तो अपने इनके एम्प्लॉयज़ थे तो जिनको उनको खपत करनी थी तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें सो दे इन्वेंट तो दे एन आईडिया और फिर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई अब वो यूनिवर्सिटी तो पब्लिक हो चुकी और दी बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है लेकिन उसके अंदर जो है वो पर्पस था उसका स्ट्रक्चर था उसका आइडिया था आज अभी तक उसको कोई कैचअप नहीं कर सका दूसरी एक दो और भी आई बहुत सारी लेकिन बिजनेस के अंदर इसी यूनिवर्सिटी ने बहुत सा काम किया और अभी अपने पर्पस यानी एक्चुअल ये ये नहीं था कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स या लीड क्लास स्टूडेंट्स बनाने के लिए बनाया जाएगा लेकिन उनका अपना आइडिया ये था कि लीड स्टैंडर्ड के ऊपर हाई स्टैंडर्ड्स पर कोई इंडस्ट्री बनानी है और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हमने वेंचर्स करने तो हमारी जो यहाँ की लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी तो एक यूनिवर्सिटी की अशद जरूरत है एक ट्रेनिंग कैंप की अशद ज़रूरत है एक, ट्रेन, एक ट्रेनिंग वेसिलिटी की अशद ज़रूरत है ताकि वहीं से हमारी इंडस्ट्रियल लाइजों और हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे दिस इज द रियल आइडिया बट उसके बाद से एक वेव चली और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ बनती चली गई लेकिन क्योंकि पर्पस नहीं था पर्पस सिर्फ और सिर्फ पढ़ा पैसे कमाना था वहां पर इंडस्ट्री चलाना था इधर पढ़ाकर पैसे कमाना था फर्क हो गया तो इसमें आपने देखा होगा तो वहां पे रिजल्ट्स मिले और यहां पे नहीं मिले मूविंग ऑन तो डिफरेंट क्या है एंटरप्रेन्योर फेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क वन इज द फाइनेंशियल रिस्क सेकेंड इज द केरियर रिस्क थर्ड इज द फैमिली एंड सोशल रिस्क एंड फोर्थ इज अ साइकिक रिस्क हम बाकी चीज़ों के बारे में बहुत बात कर चुके हैं मैं अब साइकिक रिस्क के बारे में बात करूंगा

और फिर उसकी उनकी डायमेंशन ऐसी बनाई जा रही हैं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एक्चुलाइजेशन तक सेल्फ स्टीम अर्ज सुपर ईगो ईगो भी नहीं सुपर ईगो और हर चीज को पाने का जो है वो एक ऐसा स्टिमुलस डिवेलप कर दिया गया कि हर चीज उनको महंगी तरीन चाहिए जैसे वो सेल्फ एक्चुलाइज हो लेकिन क्या चीज माइनस है सेल्फ इनलाइटनमेंट उनके पास सेल्फ इनलाइटनमेंट नहीं है उनके पास इंसानों की खदमत नहीं है उनके पास आ, सोसाइटी डेवलप करने के लिए नहीं है उनके पास सिर्फ अपनी वेलबींग का आइडिया है जो कि एक साइकिक प्रिजन है आगे देखते हैं उनके पास क्या है कि एन ओवर बैरिंग नीड फॉर द दे कंट्रोल देन दे वॉन्ट टू हैव अ कंट्रोल एन अल्टीमेट कंट्रोल उनका आइडिया उनका दिमाग उनका टॉप टू बॉटम उसके लिए चलना है आ, हर आदमी ने सांस कैसे लेना है और फिर ओवरवेलमिंग वेलमिंग ओवर बैरिंग नीड्स ऑफ द कंट्रोल वो डिवेलप होना शुरू होगी देन सेंस ऑफ डिस्ट्रप्टिट्रस्ट सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट ने मैंने पिछले कुछ अपने पाँच साल के अरसे के अंदर देखा है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई लोकली जो यहाँ के लोग हैं सेट कल्चर के अंदर यहाँ के लोगों में खासतर और पूरी दुनिया के अंदर भी जहां जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर के अंदर सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट है वो कभी भी गवर्न नहीं करता उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल पैदा ही नहीं होता बिकॉज अल्टीमेट कंट्रोल होता ही नहीं लोग या दिलों पर राज करते हैं या फिर अगर आप हुक् करना चाहते हैं तो इतना पैसे का फ्लो फेंकें कि कहीं और से ना मिल सके तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं या दिल जीत लें या पैसा इतना फेंकें कि कंपैरेटिवली आप ऊपर हो जाएं। दिस इज अ कंपटीशन। तो दो ही चीजें रादर गो फॉर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और रादर गो फॉर रेड ओशन स्ट्रेटजी सो इट सेज़ To remain altered to competition, customers, and government regulation, entrepreneurs are continually scanning the environment. Your sense of distrust and gap play Then, is over desire for success. That's the ego. Success becomes the ultimate uh, pinching point for you. Success not pinching point. You success to do लेकिन सक्सेस लेकर क्या आप पूरी जिंदगी के लिए उस पर बर्जमान रहना चाहते सक्सेस के क्या मतलब है कि आपकी और आपकी नस्ल फिर उसके आने वाली नस्ल फिर उसकी आने वाली नस्ल और फिर आप यह बना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी में आपका नाम रहेगा इतना ज्यादा डीप ड्रिलिंग आप सोचेंगे तो यह किस तरीके से चलेगा द एंटरप्रियोर्स ईगो इन्वॉल्व इन द डिजायर फॉर सक्सेस सक्सेसो मेरी ऑफ द द एंटरप्रेन्योर बिलीव दे आर लिविंग ऑन एज ऑफ देस कॉन्स्टेंटली स्ट्राइल स्टायरिंग विद इन दैम इन द स्ट्रॉग डिजायर टू सक्सेस इन दिट ऑफ आर्ट वो एक अजीब गरीब साइकिक प्रेजेंट में जा चुके हैं डोंट एवर गो फॉर दिस अपना ऑप्टिक चेंज करें अनरियलिस्टिक ऑप्टिक ऑप्टिजम है ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां पर सिर्फ अर्ज फॉर आइडिया है और आइडिया के ऊपर खेल जाना चाहते हैं

और बेशुमार पाकिस्तानी मोटिवेशन स्पीकर्स को बनाने वाला ये टोनी रॉबिन एंड सो ऑन सो फोर्थ एक लंबी लाइन अवेकनिंग दाइंट विद इन गॉड नाफ अनलिमिटेड पावर आई एक्सेप्ट बट प्लीज फैंटसी अच्छी चीज है लेकिन आप रियलिटी ये बताइए कि हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं पूरी मखलूक की दावत करता हूं तो अल्लाह ने कहा आप नहीं कर सकते तो जब एक दिन उन्होंने मान ली एक बात तो करने लगी तो उन्होंने कहा कि एक महीना लगेगा इतना बड़ा दस्तरखान है और एक मछली ने कहा मुझे खिलाउनों का तुम क्या सारी मखलूक बी दोनों तो सिर्फ एक लुक में वो खा गई उन्होंने कहा तो सारी मखलूक के लिए बनाया था। पर उसने कहा कि इस तरह का एक लुकमा नहीं मुझे तीन लुक में अल्लाह खिलाता तो यहां पर जब लोग they, self, God, वो अपने, आपको डेमी गॉड बनाते हैं। तो ये उनका जवाल का सिलसिला शुरू हो जाता तो इस ईगो को सुपर ईगो और सुपर ईगो को जो है वो ग्रैंडियोसिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं तो प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस ग्रैंडियोसिटी कॉम्प्लेक्स एंड ट्राई टू बी जस्ट वेरी हार्मल एंटरप्रेन्योर और सोसाइटल का डेवलपमेंट का काम कीजिए थैंक यू वेरी मच